विवाद के साथ वीरभद्र सिंह संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकें भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच संसद के बाहर जंतर मंतर पे एक किसान संसद अलग ही चल रहा है। बता दें कि इस किसान संसद में जो पिछले 8 महीने से लगभग जो यहाँ पर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैठे हुए थे, वो तमाम प्रदर्शनकारियों में से 200 प्रदर्शनकारी आज जंतर मंतर पर पहुँचे हैं और वहाँ पर अपना एक किसान संसद अलग ही लगा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों दावा किया गया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर पर आकर अपने जो मांग है उसकी मांग को मांगने की पूरी कार्रवाई कर सकते हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरी किस तरीके से यहाँ पर जो जंतर मंतर पर सुरक्षा टाइट है। हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि यहीं से तमाम जो गाड़ियां हैं वो अंदर आ रही हैं जो जंतर मंतर की ओर जाएंगी, और यहीं से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शनकारियों की गाड़ी जो है अंदर भी जा रही। बता दें कि कुल 5 बसें गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से बुलाई गई, जिसमें प्रत्येक बस में से 40-40 प्रदर्शनकारी है। 40-50-200 प्रदर्शनकारी जो है इस जंतर मंतर पर शामिल होंगे और प्रत्येक दिन जो संसद का मानसून सत्र जब तक चलता रहेगा तब रोज़ाना 13 अगस्त तक के लिए बताया जा रहा है कि 13 अगस्त तक के लिए लोग प्रदर्शनकारी यहां पर डेली आएंगे और अपने प्रदर्शन करेंगे और एक किसान संसद चलाएंगे, उसके बाद अपने प्रदर्शन स्थल पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस समय विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है अंदर की ओर जा रहे हैं और भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बाद ये प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुँच कर अपना एक किसान संसद अलग ही चला रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना हुई थी उसके बाद से दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से जो किसानों को पिछले दिनों जो 26 जनवरी की घटना हुई उस घटना से सबक लेते हुए इस ऐसी कोई परिस्थिति ना हो उसको कैसे बचा जाए, इसको लेकर लगातार तैयारी की गई है। लेकिन अभी की यही खबर है कि प्रदर्शनकारी जो 11 बजे कहा गया था थोड़ा लेट से ही सही लेकिन यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपने प्रदर्शन की मांग की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से लगातार जो है गाड़ियों की आवाजाही बनी हुई है। चूँकि जिस तरीके से कहा गया था कि 5 बसें यहाँ पर आएंगी प्रदर्शनकारियों की, 5ों बसें अब अंदर जा चुकी है और यहाँ पर किसान संसद की शुरुआत की जा रही है। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ कमीशन आप तक लगातार पहुँचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपको क्या रहा है हम कमेंट करके बताएं। Thank you.